मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक मिलिट्री बंकर दिखाया जाता है, जहां पर कुछ सोल्जर किसी का बर्थडे मना रहे होते हैं। लेकिन तभी उन्हें कुछ हलचल की आवाज़ आती है। जब वो सीसीटीवी कैमरा की में देखते हैं तो उन्हें कुछ जीव बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जीव एक मॉन्स्टर होता है जो सभी को मार डालता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हर सूर्य ग्रहण के दिन बहुत सारे मॉन्स्टर धरती से बाहर निकल कर आते हैं और वे लोगों को मारते हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि इस धरती पर पाप बहुत बढ़ गया है, जिसे कम करने के लिए परमेश्वर ने शैतान को इस धरती पर भेजा है ताकि वह लोगों को मारकर उनके पाप को कम कर सके। इस घटना को 15 साल बीत जाते हैं। फिर हमें एक आदमी डेविड दिखाया जाता है जो एक वेंट के अंदर होता है और उसे वहाँ एक मरा हुआ जानवर दिखता है। वो उस जानवर को निकाल के बाहर लाता है और उसे फेंक देता है। वो अपने बॉस से छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसका बॉस उसे छुट्टी देने से मना कर देता है। फिर हमें एक लैब दिखाई जाती है जिसमें दो लोग होते हैं, लॉरा और मिल्टन। मिल्टन लॉरा को कहता है डिनर के लिए, जिस पर लॉरा उसे कहती है ठीक है हम लोग शाम को डिनर के लिए। फिर हमें पार्क में एक लड़का टायलर दिखाया जाता है जो एक लड़की के साथ बैठा होता है। लड़की उसे कहती है कि ग्रहण जल्द ही आने वाला है, लगता है इस बार भी बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। जिस पर टायलर उसे कहता है कि 15 साल पहले के बाद बहुत सारे ग्रहण आए लेकिन अभी भी कोई मारा नहीं गया, तो इस बार भी कोई नहीं मारा जाए। वो उसे कहता है कि जिस तरह मेरे पेरेंट्स ने डिवोर्स कर लिया वो कभी उसके साथ ऐसा नहीं करेगा, वो हमेशा उसको अपने साथ रखेगा और उसे इस ग्रहण से भी बचाएगा। फिर हम डेविड और टायलर को एक साथ देखते हैं। डेविड टायलर का पिता होता है। दोनों बात कर रहे होते हैं कि ग्रहण जल्द ही आने वाला है। दोनों टीवी देख रहे होते हैं लेकिन डेविड टीवी देखते देखते सो जाता है। तभी उसके पास किसी का फ़ोन आता है। जब वो फ़ोन उठाता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंकल टेड का फ़ोन है। उसके अंकल टेड कहते हैं कि ग्रहण आने वाला है, तुम जल्दी से अपनी फैमिली को लेकर बंकर के अंदर आ जाओ। टायलर की मॉम डेविड के पास फ़ोन करती है ताकि वो टायलर को लेकर उसके पास आ जाए, लेकिन टायलर एक नोट लिखकर किसी के पास चला जाता है, जिससे टायलर की माँ बहुत घबरा जाती है। लेकिन मिल्टन उसके फ़ोन की लोकेशन को पता लगाकर उस तक पहुँच जाता है। फिर हमें पता चलता है कि टायलर एक गार्डन में है। वो अपने उस दोस्त के साथ गार्डन में बैठा हुआ है। उसकी दोस्त उससे पूछती है कि क्या हम बच जाएंगे, लेकिन टायलर कहता है कि बिल्कुल हम बच जाएंगे, पहले भी बहुत से लोग बच गए हैं। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ डेविड पहुँच जाता है। वो उन सभी को लेकर एक मिलिट्री एरिया के पास आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी भीड़ है। क्योंकि मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है इसलिए मिलिट्री सिर्फ औरत और बच्चों को ही बचा रही होती है। लॉरा टायलर को लेकर अंदर जाने वाली होती है, लेकिन टायलर भागकर अपने डैड डेविड के पास आ जाता है और कहता है कि आप भी चलें। लेकिन सोल्जर उनकी बात नहीं मानते और इतने में ही सभी सीटें फुल हो जाती हैं। इसका मतलब यह था कि अब वो लोग अंदर नहीं जा सकते थे। वो लोग बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं क्योंकि अब उनकी जान खतरे में है। उधर ग्रहण भी चालू हो जाता है और सभी मॉन्स्टर बहुत ही तेज़ी रफ्तार से उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं। फिर सभी डिसाइड करते हैं कि हम कोई गेट ढूंढेंगे और उस गेट के थ्रू किसी घर के अंदर घुसेंगे, लेकिन बहुत ही कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई गेट नहीं मिलता। गेट ना मिलने पर मिल्टन कहता है कि मैं तुम्हें एक सेफ जगह पर लेके जाऊंगा, लेकिन डेविड कहता है कि मुझे तुमसे ज़्यादा सेफ जगह का पता है, जिस पर दोनों की बहस हो जाती है। लेकिन इससे पहले दोनों कुछ कर पाते एक मॉन्स्टर मिल्टन को उठाकर लेके चला जाता है और उसे मार डालता है। डेविड और उसकी फैमिली किसी तरह कार को लेकर आगे निकल जाते हैं, लेकिन जल्द ही डेविड को पता चलता है कि कार में पेट्रोल बहुत कम है और कार आगे चलकर रुक जाती है। डेविड कहता है कि हमें कार बदलनी पड़ेगी, जिसके लिए वो कार से उतरकर दूसरी कारों को देखने लगता है। वो एक कार को देखता है, उस कार के अंदर जैसे ही बैठता है उसको पीछे से एक बूढ़ा आदमी दिखता है। वो उसके मुंह पर हाथ रख लेता है क्योंकि उनके आगे एक मॉन्स्टर होता है। फिर वो धीरे धीरे किसी तरह कार को पीछे करते हैं। वो जैसे ही कार शिफ्ट कर रहे होते हैं तभी मॉन्स्टर की नज़र उनके ऊपर पड़ जाती है। मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक फेंकता है, लेकिन उससे मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। मॉन्स्टर उसे
मार डालता है। फिर किसी तरह डेविड अपनी फैमिली को लेकर वहां से निकलता है। फिर वो अपने अंकल टेड द्वारा बताए गए किसी लोकेशन पर पहुंचता है, जहां पर वो अपने अंकल टेड को गेट खोलने के लिए कहता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर हमें दिखाया जाता है कि अंकल टेड के सिर पर किसी ने बंदूक रख रखी है, वो एक सोल्जर है। तभी हम देखते हैं कि गेट ना खुलने पर सभी बहुत परेशान हो जाते हैं, और उधर से मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। मॉन्स्टर उनकी तरफ बस पहुंचने ही वाले होते हैं, इससे पहले गेट खुल जाता है और सभी गेट के अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें टेड अंकल मिलते हैं। वो सोल्जर भी वहीं पर बैठा हुआ होता है। वो उन्हें कहता है कि ये मॉन्स्टर हमारे मांस को तो खाती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये हमारी आत्मा को निचोड़ देते हैं। वो कहता है कि पिछले ग्रहण को भी मैं इनसे बच गया था, और इस बार भी मैं इनसे बच जाऊंगा। वो उन्हें बताता है कि ये मॉन्स्टर नमक से बहुत ज़्यादा डरते हैं। डेविड को उस सोल्जर के ऊपर शक होता है, इसीलिए वो टेबल से एक चाकू को उठा लेता है। ऐसा करते हुए सोल्जर उसे देख लेता है और उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है। फिर सभी में भय होने लगती है। इसी बीच एक मॉन्स्टर वेंट से होता हुआ घर के अंदर घुस जाता है और एक पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर काफ़ी ब्लीडिंग हो जाती है। डेविड उस मॉन्स्टर को मार डालता है और उस सोल्जर के हाथ पैर बांध देता है, लेकिन फिर डेविड को पता चलता है कि वो मॉन्स्टर उस गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और उसे पता होता है कि उसके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा पड़ा। इसी बीच सोल्जर उसे कहता है कि मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता पता है, यहाँ से कुछ ही दूर मैंने एक कार को पार्क कर रखा है, अगर हम वहाँ तक पहुँच गए तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद उस सोल्जर के कहे अनुसार उन्हें वो कार मिल जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं, जो बहुत ही रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। स्टेला ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है और कार से बाहर निकलकर मॉन्स्टर के सामने खड़े हो जाती है। मॉन्स्टर उन सबको मार डालते हैं, लेकिन डेविड कार को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर वो सभी उस मिलिट्री बेस पर पहुँचते हैं, जहाँ लॉरा पूछती है कि ये गेट खुला क्यों है, जिस पर सोल्जर उसे कहता है कि इसके बारे में उसे नहीं पता। वो लोग गन्स के साथ उस मिलिट्री बेस के अंदर घुसते हैं और अंदर जाकर वो लाइट्स को ऑन करते हैं, लेकिन तभी उन्हें मॉन्स्टर की आवाज़ें आती हैं, जो उन पर अटैक कर देता है। लेकिन इसी बीच सोल्जर उन्हें धोखा दे देता है और एक रूम के अंदर जाके खुद को बंद कर लेता है। जब सभी को पता चलता है कि उस सोल्जर ने इन्हें धोखा दिया, तो सब बहुत दुखी होते हैं। लेकिन तभी डेविड को एक बात ध्यान आती है कि सभी मॉन्स्टर पानी से डरते हैं। फिर वो एक प्लान बनाता है। वो एक रूम के अंदर जाता है, जहाँ पर वो नमक के पानी को चला देता है। दूसरी तरफ मॉन्स्टर अंकल टेड पर अटैक कर देते हैं, लेकिन डेविड ने जो पाइपलाइन चलाई थी, उससे नमक का पानी गिरता है, जिससे सभी मॉन्स्टर मर जाते हैं। वो सभी वहाँ से निकलकर सेफ जगह जा ही रहे होते हैं, लेकिन सोल्जर टेलर पर गोली चला देता है, जिसके कारण वो घायल हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन इससे पहले वो सोल्जर कुछ कर पाता, एक मॉन्स्टर उसके पीछे से आकर अटैक कर देता है और उसको मार डालता है। मॉन्स्टर उन सभी का पीछा करता है, लेकिन वो लोग एक कमरे के अंदर छिप जाते हैं। वो लोग नमक और पानी का एक सोल्यूशन बनाते हैं। जैसे ही मॉन्स्टर कमरे के अंदर उन पर हमला करने आता है, वो सोल्यूशन उसके ऊपर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर जब वो सभी मिलिट्री बेसमेंट से बाहर आते हैं, तब वो देखते हैं कि ग्रहण खत्म हो चुका है और सभी मॉन्स्टर अपने बेस पर दोबारा जा चुके हैं, और डेविड ने अपनी और अपनी फैमिली की जान को बचा लिया है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।